सो हे व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और आज से हम अपनी सर्वाइवल सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये हमारी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट वन। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और चलो अब हम वुड कलेक्ट करते हैं, सबसे पहला काम जो इसका माइनक्राफ्ट का होता है। और यहाँ हमें विलेज नजर आ जाते हैं तो हम वही करते हैं जो हर माइनक्राफ्ट प्लेयर करते हैं। तो हमारा नसीब ऐसा होता है कि हमें इस विलेज में दो ब्लैकस्मिथ मिल जाते हैं और एक दोनों ब्लैकस्मिथ से हमें लेगिंग्स और शूज मिल जाते हैं। तो मेरे लिए भी मेरा भाई ले आता है तो वो भी मैं पहन लेता हूँ। और साथ ही साथ हमें एक स्वॉर्ड भी मिल जाती है आयरन की, जिससे मैं इस आयरन गोलम की चटनी बना लेता हूँ। मगर क्यों? तो अब इस आयरन गोलम की चटनी बनाने के बाद मैंने देखा कि रात हो रही, तो मेरा भाई कहता है कि सो जा, सुबह उठ के काम करेंगे। तो मैं सो जाता हूँ। तो अब सुबह उठने के बाद मैं थोड़े कोबल स्टोन माइन करने चला जाता हूँ। और जब मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता हूँ तो मुझे नजर आता है ये। अरे मैया, तू क्या देख रही हो? मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं अपने आप आगे बढ़ी जा रहा था, मेरी गेम अटक चुकी थी। मेरा भाई मुझे कह रहा था कि तू पीछे आ जा, कहाँ जा रहा है? उनके पास ही मैं, लेकिन उनके अब क्या करता, मैं तो उनके बीच में फंस चुका था। और फिर मैं जल्दी से अपनी शेडो को करके बैठा रहता हूँ और तभी मेरा भाई मुझे बचाने आ जाता है और यहाँ हमारी उनसे फिर गंदी वाली लड़ाई होती है। इससे पहले कि मोब आता हम सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और फिर इनकी पिटाई करते हैं। お前はもう死んでいる。Years later.
तो गाइस एक सदी तक सफर करने के बाद आखिरकार मैं अपने भाई के पास पहुंच चुका हूं। चलो उसके पास चलते हैं, उसके पास मेरा सामान है, उससे अपना सामान लेते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं। हाय, चल यार अब तो मेरा सामान दे दे। नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मेरा सामान दे दे। ओके ओके, चलो अब मेरे पास मेरा सारा सामान आ गया, अब चलते हैं और फिर हम एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और रास्ते में हमें कोल और आयरन वगैरह भी मिलते रहते हैं, तो वो भी हम माइन कर लेते हैं। अब हम आयरन स्मेल्ट कर लेते हैं और उस आयरन से मेरा भाई मुझे चेस्ट प्लेट बना देता है, क्योंकि उसने भी बना ली थी। और वो कहता है कि मुझे तू गोल्ड वाली दे दे, तो मैं उसको गोल्ड वाली चेस्ट प्लेट दे देता हूँ और खुद आयरन वाली पहन लेता हूँ। तो अभी हम एक केव में आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत बुरा था हमारे लिए। एक ये स्केलेटन होता है, उसके पास पावर 2 वाली वो होती है और ये हमें नॉकबैक दे के मेरे भाई को मार देते हैं। फिर मैं स्केलेटन को मार के अपने भाई का बदला ले लेता हूँ और अपने भाई का सारा सामान उठा लेता हूँ और फिर सारा सामान लेके मैं बाहर आ जाता हूँ। और फिर मैं जब बाहर आता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि यहाँ एक विलेज है, तो मैं इस विलेज के कोऑर्डिनेट्स अपने भाई को दे देता हूँ और वो फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आ जाते हैं और अपना सामान ले लेते हैं। और फिर मेरा भाई यहाँ इस विलेज में आ जाता है और मैं इसको अपना सारा सामान दे देता हूँ, मतलब इसका सामान। और फिर सामान देने के बाद हम दोनों यहाँ लूट मार मचा देते हैं। और फिर मुझे एक विलेजर मिलता है जो कि 15 कोल का एक एमराल्ड दे रहा था, तो मैं उसे ट्रेड करके एमराल्ड लेके अपना पूरा आयरन आर्मर कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ हेलमेट की ज़रूरत थी और वो ट्रेड कर लेता हूँ इससे। तो मैं अपने भाई को बताता हूँ, लेकिन उसके पास कोल ही नहीं होता। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड बाय बाय।